सीतापुर के नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में घाघरा एवं शारदा नदियों के बाढ़ का पानी 12 से अधिक गांवों में घुस गया, जिससे गांव का संपर्क मार्ग कट गया। वहीं ग्रामीणों के बाहर आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब इन्हें नाव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ के चलते करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। महिलाएं चारपाई और तख्त ऊंचा करके खाना बना रही हैं। वहीं मवेशियों के चारे के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। खेतों का कटान भी शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रशासन की मदद पीड़ितों के लिए महज एक दिखावा साबित हो रही है। वहीं गाँव में घाघरा नदी के बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों तक पहुँच गया है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नदियों का पानी घरों में भर गया है, जिससे जहरीले सांप और बिच्छुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं बाढ़ क्षेत्र में रात के समय उजाले को लेकर शासन प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन के सभी इंतजाम सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण करीब 20 दिनों से परमेश्वरपुरवा, पासिनपुरवा और गार्गीपुरवा के गाँवों में घड़ियालों का खतरा बरकरार है। वहीं ग्रामीण अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रात जाग कर देख रेख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।